brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. ये मेरा सवाल ये था कि ये चर्चा थी कि रागिनी सोनकर भी लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, इसमें कितनी सच्चाई थी कि आप लड़ना चाह रही थी? टिकट राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होता है, सभी चीज़ों को देख करके डिसीजंस लेने होते हैं, जाति समीकरण को देख करके डिसीजन होते हैं। आपको पता है कि यूपी की पॉलिटिक्स इस समय जाति समीकरण पे सबसे बेस्ट और फिटेड वे में वर्क कर रही है। धनंजय जी का अपना क्या ग्राउंड है वहाँ पे, उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपको विश्लेषण नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे जो क्लियरली दिख रहा है वो इंडिया गठबंधन दिख रही है। डिंपल यादव जी को मैं भाभी कहती हूँ और भाभी बहुत प्यार देती हैं, बहुत सम्मान देती हैं, और मुझे लगता है कि आगे भी किसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद मिलता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय, तो वो मुझे काफ़ी पसंद है, उनकी बातें मुझे पसंद है और मैं सुनती हूँ। पाँचवें चरण के बाद अब चुनाव पूर्वांचल में है और पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में एक चर्चित विधायक हैं रागिनी सोनकर। सोशल मीडिया पर अक्सर ये वायरल होती रहती हैं, वायरल विधायक नाम से भी इनको जाना जाता है, और पिछले दिनों इसलिए चर्चा में थी क्योंकि मछली शहर में इनके समर्थकों को उम्मीद थी कि शायद रागिनी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन रागिनी चुनाव नहीं लड़ रही हैं बल्कि चुनाव लड़वा रही हैं। और पूर्वांचल हम कवर कर रहे हैं तो क्यों ना रागिनी से ही बात किया जाए, खुद रागिनी हमारे साथ हैं। रागिनी सोनकर जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये कि ये बड़ी चर्चा थी पिछले दिनों की, क्योंकि विधायकी आपको अभी 2 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन बड़े 2 साल में आपने बहुत लोकप्रियता प्राप्त कर ली। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोज़ वगैरह, खासतौर से विधानसभा के जो भाषण हैं वो अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस बार ये थी कि शायद लोकसभा में भी आपको उसी अंदाज में हम लोग चुनाव लड़ते हुए देखें, उसी अंदाज में वायरल होते हुए देखें। तो जब टिकट घोषित हुआ तो आपको मतलब थोड़ा झटका था या आप ओके थे डिसीजन से? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी आपके चैनल का। देखिए, ये जो लोकसभा का चुनाव था, इसकी सबको बड़े दिनों से 2022 के रिजल्ट्स के बाद से बहुत तेज़ी से इंतज़ार था। 2022 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है, हमें ये पूरी उम्मीद थी कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन काम कर रही थी धरातल पे, जिस तरीके से लोग मोटिवेटेड थे और एक जील था 10 साल के इस सरकार के अगेंस्ट, जो एंटी कंपेंसी की बात थी उस पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो मुद्दे हैं जिनको लेकर के इंडिया गठबंधन आई है, मैनिफेस्टो लेकर के आई है, उस पे चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशी की बात नहीं रह गई है, जब आप धरातल पे, आपने तो कवर किया है जगह जगह के चुनावों को, इस समय जनता बनाम एनडीए का चुनाव चल रहा है और जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। कहीं से कोई कैंडिडेट के लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जनता खुद इतनी परेशान है इनके 10 साल के बिहेवियर से, इनके 10 साल के कार्यकाल से, वो स्वयं ग्राउंड में उतर उतर के अपने जगह जगह पर वो अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, इस बार हमें परिवर्तन चाहिए। रागिनी, लेकिन आपने पहले ही सवाल को, पहले ही बाउंसर को डक कर दिया। मेरा सवाल ये था कि ये चर्चा थी कि रागिनी सोनकर भी लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, इसमें कितनी सच्चाई थी कि आप लड़ना चाह रही थी? देखिए, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी, बाकी ये वास्तविकता है कि 2 सालों में जितना मुझे जनता का प्यार मिला, जितना लोगों ने मेरी स्पीचेस को सराहा, और विधानसभा में जब मैंने जनता के मुद्दों को उठाया, उस पर जितनी मुझे शाबाशियाँ मिली, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और शायद यही कहीं ना कहीं रीज़न था कि सिर्फ 2 साल की पॉलिटिकल करियर में, क्योंकि इससे पहले मैं एम्स में रही, मैं प्रोफेशनली आई सर्जन, मैंने अपना MBBS कोलकाता से किया, फिर मैंने ऑल इंडिया एम्स न्यू दिल्ली से MD ऑप्थल्मोलॉजी की 2021 बैच हूँ मैं, और 22 में ही मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और जीत करके पहुँची सर्जन में। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर भरोसा जताया, मुझे टिकट दी, और जनता ने इतना प्यार दिया कि मुझे आप जैसे लोग अभी लोकप्रिय बोल रहे हैं, तो मैं आभारी हूँ आप सभी की। और वही एक रीज़न रहा जिसकी वजह से बात चल रही थी कि पार्लियामेंट इलेक्शंस भी कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन देखिए, टिकट्स राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होता है, सभी चीज़ों को देख करके डिसीजंस लेने होते हैं, जाति समीकरण को देख करके डिसीजन होते हैं। आपको पता है कि यूपी की पॉलिटिक्स इस समय जाति समीकरण पे सबसे बेस्ट और फिटेड वे में वर्क कर रही है, उसके हिसाब से जहाँ से जैसा डिसीजन आता है हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। अफसोस नहीं है कि अगर नहीं भी मिला तो नहीं लड़ेंगे लेकिन लड़ाएंगे? जी, एक चीज़ और है, क्योंकि हम मछली शहर रिजर्व सीट मानी जाती है, और इस वक्त बड़ी चर्चा इस बात को लेके है कि बीजेपी जब ये नारा दे रही है 400 पार का, है ना, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी के लोग, जो अलायंस है जिस पार्टी में आप हैं, वो लोग संविधान बचाने वाली बात कह रहे हैं कि संविधान बचाने का चुनाव है क्योंकि संविधान खतरे में आ जाएगा, है ना, क्योंकि आप उस कम्युनिटी से भी आती हैं जहाँ पे ये चर्चा सबसे ज़्यादा है जिस बीच, और आप विपक्ष
इम्प्लोड भी ये बात कर रहा है, इस बात को बता रहा है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। आप इस तरह के नारों को कैसे देखते हैं, इस तरह के स्लोगन से? देखिए, जब कोई डूबने लगता है, हारने लगता है, तभी वो इस तरीके की बातें करता है 400 बार मतलब, और इतनी बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि आपने 10 सालों में स्वयं आपको पता है कि आपने क्या काम किए। आज जब इंडिया गठबंधन प्रचार के लिए जा रही है, मैं स्वयं प्रचार के लिए जा रही हूँ, तो हम मुद्दों की बातें कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो की बातें कर रहे हैं। वी आर सो क्रिस्टल क्लियर कि हम जनता को क्या देना चाहते हैं, जनता किस चीज़ से परेशान है। आप 10 साल उस जनता के बीच में रहे, उनका वोट लेकर के रहे, उनका विश्वास लेकर के रहे, लेकिन समझ नहीं पाए कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। आज अगर हम महिलाओं के बीच में जाते हैं, वो परेशान है। किसान के बीच में जाते हैं, वो परेशान है। युवाओं के बीच में जाते हैं, वो परेशान है। हम जिस भी वर्ग के बीच में जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जिस भी धर्म का हो, भले हम पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ अगड़ा भी परेशान है, पिछड़ा भी परेशान है, दलित भी परेशान है, आदिवासी भी परेशान है, अल्पसंख्यक भी परेशान है। तो ये एक ओवरऑल कंजॉइंट वे में हम देख रहे हैं, जिस तरीके से ऑग्यूमेंटेशन हो रहा है हर जात का, हर धर्म का, हर वर्ग का, हर एज ग्रुप का, तो ये चुनाव बिल्कुल क्लियर है। और शायद ऐसा चुनाव आपने बहुत सालों पहले कभी देखा होगा, जिसमें पूरा जो पूरी जनता एक तरफ है और एक पार्टी एक तरफ है। एक पार्टी से आज जब नेता मंच पे चढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि हमने मंदिर बनवाया, ये बुलडोज़र से मंदिर तोड़वा देंगे। जब नेता मंच पे चढ़ते हैं तो कहीं वो रोने लगते हैं, कहीं नेता मंच पे चढ़ रहे हैं तो वो वहाँ से ये कह रहे हैं कि आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, आपका जितना भी पैसा होगा उसे आधा किसी और को बांट दिया जाएगा। आज उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई उनके पास ग्राउंड नहीं है जिस पे वो जनता से वोट की अपील कर सके। मोदी का, योगी का फैक्टर है, कैसे फिर आप मुकाबला जो करेंगे? भी ये चेहरे की बात करता है, मैं सिर्फ ये जानती हूँ, मैं तो बहुत कम, अभी मेरा राजनीतिक करियर इट्स अ बिगिनिंग, और अपना देश जो है उसके बारे में मैं बहुत, आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, और मुझे ये लगता है कि अपना देश ना कभी किसी चेहरे का मोहताज था, ना आज इस स्थिति में है और न कभी रहेगा। अपने देश ने ऐसी ऐसी स्थितियां देखी, ऐसी ऐसी परिस्थितियां देखी, और जब देश को आज़ाद भी कराना था तो हर वर्ग से लोग आए, महिलाएं आईं, पुरुष आए, युवा आए। एक 21 इयर्स के एज ग्रुप के व्यक्ति ने फांसी पे चढ़ गया, वो उसने कभी ये भी नहीं सोचा। भगत सिंह जी ने जिस तरीके के बलिदान दिए, आज वही 21 साल के बच्चे रास्ते में खड़े हैं कि ये पेपर लीक गलत है, हम नहीं मानते किसी जाति को, हम नहीं मानते किसी धर्म को, हम मानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, युवाओं का हक उन्हें मिलना चाहिए। तो आज चुनाव उन्हीं मुद्दों पर है। आज उनकी बातें, चाहे वो 400 पार का नारा बताएं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम करना चाहें, और किसी भी बात के लिए वो वहाँ पे खड़े हों, जनता मैनिफेस्टो पर बात। आप कह रहे हैं कि चेहरे पर अब चुनाव नहीं है, लेकिन मोदी जी जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, बीजेपी के नेता एक बड़ा पोस्टर मोदी जी का लगाते हैं और उसमें ज़्यादा बड़ी तस्वीर उनकी होती है, अपनी छोटी होती है, तो वो लोग तो अभी भी कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर पर और योगी फैक्टर पर वोट मांग रहे हैं। देखिए, आपके यहाँ क्या नाम है, अभी तक इंडिया लाइंस में बहुत क्लैरिटी इस बात को लेकर रहती नहीं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा या कैसे चुनाव, किस सीट पर कौन किसकी मदद कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इतना क्लैरिटी नहीं रहता जितना बीजेपी में दिखता है आमतौर पर। देखिए, भारत देश जो है बहुत भावुक देश है, संस्कारों का देश है, विश्वास का देश है। मोदी जी जब आए थे उन्होंने बहुत सारे वादे किए, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें जगाई, और उसी की वजह से लोगों ने उनके चेहरे पे भरोसा किया, और 10 साल में उन्हें सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला और कुछ भी नहीं मिला। और अगर धोखा नहीं मिलता तो आज अगर हम पर कैपिटल इनकम की बात करें, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, आज हम अगर बात करें कि जो गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा है, जो अमीर हैं उनके ऋण माफ़ कर दिए जा रहे हैं, एक किसान फांसी लगा ले रहा है, तो ये इस तरीके की स्थितियाँ, दलित समुदाय की बेटियों की जिस तरीके से हत्याएं हुई, हाथरस का कांड कोई भूला नहीं है, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में कई सारी जगह पे इस तरीके के मुठभेड़ हुए, जिसमें छोटे छोटे ज़मीनी विवादों ने प्रशासनिक कमजोरियों के कारण आपस में दो परिवारों में इतनी सारी मौतें हो गई, जिसे धर्म और जाति के नाम पर उसको दिखाया गया। तो जनता ने सभी चीज़ों को सक्रियता से देखा है। दो तीन सवाल हो रहे हैं, क्योंकि आप मछली शहर से विधायक हैं, मछली शहर के बगल वाली ही सीट है जौनपुर की, उसी का हिस्सा है। अब जौनपुर में ऐसा बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि जौनपुर जो है वो मैनेज हो गया है, मतलब इन द सेंस उसका कहना, उनका कहने का मतलब ये है कि धनंजय सिंह आप बीजेपी के समर्थन में उतर आए हैं, इसलिए बीजेपी जौनपुर जीत लेगी। आप प्रचार करने गई थी बाबू सिंह कुशवाहा का, आप समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं, आप इस क्षेत्र को समझती होंगी, तो अब तो बीजेपी ने क्षेत्र ही पूरा मैनेज कर लिया। देखिए, बीजेपी तो मैनेजमेंट करती आई है, ये कोई नई बात नहीं है।
पिछले दस वर्षों में बनी बनाई सरकारों को बीजेपी ने खरीद फरोब करके जिस तरीके से गिराया है वो सबके सामने प्रमाणित है, साक्षात है, उसको कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो आपका महाराष्ट्र की सरकार रही हो, चाहे वो बिहार की सरकार रही हो, चाहे जगह जगह पर ईडी और सीबीआई की वजह से उन्होंने लोगों को डराया और धमकाया है। अगर हम जौनपुर की बात करें, देखिए जौनपुर में पीडीए के नारे में पिछड़े दलित और बैकवर्ड्स की अगर हम बात करें, वहाँ पे मौर्य समाज बाहुल्य है, वहाँ पे बिंद कम्युनिटी है, वहाँ पे एससी कम्युनिटी है, वहाँ पे फॉरवर्ड कम्युनिटी है। तो जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं 2022 में, कहीं ना कहीं मौर्य समाज का वोट जो है वो हमें नहीं मिल पाया था। धनंजय जी का अपना क्या ग्राउंड है वहाँ पे, उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपको विश्लेषण नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे जो क्लियरली दिख रहा है वो इंडिया गठबंधन दिख रही है। लोगों का रुझान सिर्फ और सिर्फ इस तरफ है कि इंडिया गठबंधन की सेंट्रल में सरकार बनती है तो उनके मैनिफेस्टो के तहत महिलाएं लखपति होंगी, उनके मैनिफेस्टो के तहत युवाओं को रोज़गार मिलेगा, उनके मैनिफेस्टो के तहत युवा हमारे लखपति होंगे, उनके मैनिफेस्टो के तहत किसानों को जो जो GST की मार झेल रहे हैं उनको GST से मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ MSP के कानून उनके अनुसार बनेंगे, उसके साथ आप जो PDA के बार बार आप हनन कर रहे हो, मैंने अभी आरक्षण पे सवाल भी उठाया विधानसभा में कि पूरा जीवन माँ बाप लगा देते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने में और एक बच्चा वो अपना जीवन लगा देता है डॉक्टर बनने में, और वो बनने के बाद जब उसे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर बनने की बारी आती है तो आरक्षण का उल्लंघन करके आप उनका हक किसी और को दे देते हो, और जब ये बात सदन में उठाई जाती है तो उसे इस तरीके से अनसुना कर दिया जाता है जैसे कि वो बात उठी ही ना हो। तो आज जनता भी सक्रिय है, इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ता भी सक्रिय हैं, सारे नेता भी सक्रिय हैं, और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं लोगों के बीच में, राहुल गांधी जी जिन्होंने देश को लंबाई और चौड़ाई में पैदल चल के माप के ये दिखाया कि ये साहस सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन कर सकता है, प्रियंका गांधी जी को जितनी मेहनत कर रही हैं वो लोगों के बीच में स्पेशली महिलाओं को जोड़ने का काम कर रही हैं। आप उनकी रैली में जी, मैं रायबरेली की रैली में रही, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बोला भी कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया और मैंने भी उन्हें आश्वासन दिया कि आप लोग भारी मतों से जीतेंगे और इंडिया गठबंधन। आपने जौनपुर की बात कर दी, आपने रायबरेली की बात कर दी, मछली शहर पे बताइए ना, मछली शहर में, क्योंकि इस बात को हमने कुछ ज़मीन पर भी दो चार लोगों से बात की तो उन्होंने इस बात को बोला कि यहाँ पर चुनाव तो अच्छा हो रहा है लेकिन एक चर्चा थी पहले कि रागनी सोनकर चुनाव लड़ेंगी, फिर ये युवक पानी सरोज की जो बेटी हैं प्रिया सरोज वो कम उम्र में उनको टिकट मिल गया, ऐसे में आपके समर्थक थोड़े से क्या मायूस हैं इस बात को लेकर, और क्या आपको मछली शहर को लेकर? समाजवादी पार्टी की एक जो मैं खासियत बताऊँ ये है, वो किसी के समर्थक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं भी किसी की समर्थक नहीं, मैं समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और जितने भी लोग हैं वो पार्टी को जिताने के लिए मेहनत करते हैं, ना तो किसी व्यक्ति को जिताने की मेहनत करते हैं, और ये इनकी खासियत है। क्योंकि मैं भी 10 दिन में आई टिकट लेकर के, मुझे कोई नहीं जानता था, मैं एम्स से यहाँ पर आई, लोगों ने मुझे देखा, शिक्षित समझा और काबिलियत देखी मेरे अंदर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले का उन्होंने पूरी तरीके से समर्थन किया और मुझे यहाँ से लमसम 98,000 वोटों से जिता करके मुझे विधानसभा में भेजा। तो अभी भी पूरी उम्मीद के साथ ये कह सकती हूँ कि कैंडिडेट कोई भी हो, हाँ मायूस जो लोग जिसके समर्थन में जिनको जो लोग पसंद होते हैं एज ए कैंडिडेट, वो शुरुआत में भले थोड़े मायूस होते हैं लेकिन बाद में सब लोग एक साथ एक बयान आ गया था चर्चा में, इसमें आपने देखिए बुलाया नहीं गया, वो एक प्लॉटेड एंड प्लांटेड आपका वो था, यूट्यूब का कोई चैनल का एक व्यक्ति था जिससे 2-3 बार मेरी उससे पहले भी उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने इस तरीके के कुछ सवाल ऐसे पूछे थे जिससे वो परेशान करना चाहते थे। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरीके के जो मीडिया के लोग हैं उन पे एक्शन होने चाहिए, वो कोई ऑथोराइज मीडिया का कोई पर्सन नहीं था और वो बार बार प्रोवोक करना चाह रहा था कुछ गलत चीज़ें और उसको उन्होंने एडिटेड वर्जन करके चलाया जिससे कि मेरी छवि और पार्टी की छवि को धूमिल किया जा सके। एक चीज़ रागनिया बड़ी चर्चित रहती हैं विधानसभा स्पीचेस के दौरान, तो मतलब ये मैं लाइटर नोट पे पूछ रहा हूँ और कमेंट्स पे भी हमारे समर्थकों ने, एक आध बार हम लोग जब वीडियो आपका कई बार हमारे चैनल पे आता है तो लोग कमेंट करते हैं कि आप ये मतलब पूरा रिसर्च करके जाती हैं या क्या, मतलब ये गाने वाने आप लिख के जाती हैं, ये रैंडमली एकदम से ध्यान आता है और
आप गाने लग जाती हैं स्पीच के बीच में? गाने तो मैंने बहुत कम गाए हैं, लेकिन मुझे ये लगता है क्योंकि ये मैंने सेल्फ भी फील किया है कि किसी को मोटिवेट करने के लिए यू नीड अ स्लोगन। जब भारत को आज़ाद कराना था तो इनकलाब जिंदाबाद हमें चाहिए था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा मुझे चाहिए था। और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हमारे अंदर एक जील लेकर के आती हैं। तो व्हेन आई स्पीक इन द सेशन आई स्पीक विद ऑल जील एंड आई फील कि मेरे लोगों को मुझसे कनेक्ट होना होगा और मैं जो कहना चाहती हूँ उसको मैं उस माध्यम से कनेक्ट करना चाहती हूँ कि वो चाहे किसी भी काम में बिजी हो लेकिन जब वो मेरी बातों को सुने तो उन्हें स्ट्राइक करे कि ये मेरी बहन ये मेरी बेटी बोल रही है एंड दिस इज़ द थिंग विच विल लास्ट इन देयर माइंड एंड विच विल वर्क इन 2024। आखिरी की दो तीन छोटे छोटे सवाल है चलते चलते, एक तो ये कि आपने स्लोगन की बात कर दी तो इस इलेक्शन में कुछ स्लोगन तैयार किया आपने कुछ है? आप बीजेपी कैसा मुकाबला, कैसे अब स्टेज पर आप स्टार प्रचारक हैं, क्या स्लोगन देंगी जनता को अगर आप स्टेज पर जाएंगे? देखिए इन्होंने तो 400 पार का नारा दिया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि इनका 400 साफ हो जाएगा, 400 हार बोल दिया था, 400 हार के लिए। रागिनी सोनकर है क्या स्लोगन है? अब रागिनी सोनकर ने अभी तक तो कोई स्लोगन स्टार्ट नहीं किया है, अब आप पूछ रहे हो तो मुझे उसके बारे में मंथन करना पड़ेगा और एक अच्छे स्लोगन के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी। एक चीज़ और कि कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आप अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के काफ़ी गुड बुक्स में हो और बड़े करीबी माने जाते हो, हालांकि टिकट इस बार नहीं हुआ लेकिन तब भी उनको अभी भी वो लोग मानते हैं कि आप जो है गुड बुक्स में हो, तो कैसे आपका उनसे मतलब, ये आप तो पॉलिटिक्स में थे नहीं, आपके फादर जो थे वो सुभाषपा में थे और आपका कोई समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, एकदम से आप आते हैं एम्स की आप डॉक्टर होती हैं, वहाँ से आप आती हैं चुनाव लड़ती हैं विधायक हो जाती हैं पॉपुलर सब कुछ रातों रात आपके जीवन में एकदम से बदल जाता है, तो ये कैसे मतलब क्या अखिलेश जी से पहले बात हो रखी थी या कुछ क्या था? मेरे फादर जो है समाजवादी पार्टी से कई सालों से जुड़े हुए थे। अच्छा। और अजगरा से चुनाव भी लड़ना चाहते थे। ओके। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये खासियत है कि वो अगर किसी को जबान दे देते हैं प्रॉमिस कर देते हैं तो वो कभी अपनी बातों से नहीं निकलते हैं। मेरा पूरा परिवार उनका आभारी है कि जिस समय राजभर जी ने टिकट देने की बारी आई उस समय अपने टिकट को अपने हिसाब से और आपको पता है कि किन एजेंडाज के तहत उन्होंने उनका वितरण किया, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे फादर को सम्मान दिया और यहाँ से हमें टिकट दी और हम इतने कम टाइम में यहाँ से जीत करके निकले। पसंदीदा नेता कौन है आपका? आप तो तमाम नेताओं से मिलते रहते हैं, फोटो देखते रहते हैं आपकी, हर कोई अपने शीर्ष नेतृत्व को कहता है कि वो पसंदीदा होता है क्योंकि जिस पार्टी में जो हो रहा होता है, वैसे ओवरऑल पसंदीदा नेता कौन है? देखिए मैं जिस वजह से आज राजनीति में हूँ और जिस पोजीशन पे यहाँ पे हूँ, मैं आभारी हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को, और उन्होंने जिस तरीके से कम उम्र की युवाओं को प्रोत्साहित भी किया और एक इंस्पिरेशन भी बने कि वो लोग राजनीति में आए, और राजनीति में सिर्फ ऐसे नहीं कि जस्ट टू शो दैट यू आर इन राजनीति, पूरा अटेंटिवनेस के साथ पूरा एक्टिव हो करके और अपना पार्टिसिपेशन देते हुए जनता के बीच में किस तरीके से काम करना है उसको दर्शाते हुए, तो मुझे लगता है कि आज अगर हम प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो उनके जैसे लीडर्स वाकई में इंस्पिरेशन है, राहुल गांधी जी जैसे लीडर्स हमारे लिए इंस्पिरेशन है, महिलाओं में प्रियंका गांधी जी जो हैं वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है एंड इट्स नॉट ए कंपैरिजन। और डिम्पल यादव? डिम्पल यादव जी को मैं भाभी कहती हूँ और भाभी बहुत प्यार देती हैं बहुत सम्मान देती हैं और मुझे लगता है कि आगे भी इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। आखिरी में एक तो सवाल लास्ट में कि आप तो एम्स की डॉक्टर थी और अब यहाँ पे विधायकी कर रही हैं, यहाँ पे विधायक बन गई हैं, नाली खड़ंजा और इस तरह की समस्याओं का इलाज कर रही हैं, तो वो लाइफ और ये यहाँ पे नाली खड़ंजा और सुबह सुबह 50 फ़ोन आ जाना, विधायक जी कहाँ हैं, यहाँ पर ये हो गया वो हो गया, पहले तो पेशेंट के लिए फ़ोन आते होंगे, अब तो पेशेंस रखना पड़ जाता होगा आपको जो फ़ोन आते होंगे, तो ये कैसे आप इस चीज़ को देखती हैं बदलाव ये जीवन में, अच्छा लग रहा है कि ये टफ लग रहा है? देखिए प्रशांत जी, व्हेन आई वाज इन एम्स तो कोविड का मैंने फेज देखा और उस कोविड के फेज में मैंने देखा माय पेरेंट्स वर ऑन वेंटिलेटर और देश के एपेक्स इंस्टीट्यूट की व्यवस्था को देखा कि वो कैसी चरमराई हुई थी इनकी गवर्नमेंट से, और मुझे ओवरऑल भी लगा कि देश की राजनीति में बदलाव लाने की ज़रूरत है, जो जिस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हो उसे उस डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में एक बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, और उस सोच के साथ मैंने जस्ट कोविड के बाद राजनीति में आने का फैसला किया। मुझे लगा कि अगर एक हेल्थ मिनिस्टर है
और वो जब तक मेडिकल फील्ड या उससे रिलेटेड फील्ड में एडुकेशन नहीं होगी तो कल को आने वाले पेंडेमिक में जैसे इस बार हम त्रस्त रहे वैसे आगे कभी ना हो किस तरीके की परिस्थितियाँ बने। अगर एक किसानों का नेता, एक किसानों का मिनिस्टर, एक कृषि विभाग का मिनिस्टर, अगर उसमें उसको उस बारे में नॉलेज नहीं है व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज़ गुड फॉर व्हाट काइंड ऑफ कल्टिवेशन, कहाँ पे किस तरीके का खाद यूज़ करना चाहिए और सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, तब तक हम अपने देश को पॉलिटिकली ग्रो नहीं कर सकते। और वो पुरानी राजनीति से अब युवाओं की राजनीति है। आज युवा नेतृत्व हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, और ये हमें एक झील दे रहे हैं, एक विश्वास दे रहे हैं कि जो युवा आएंगे वो डेफिनेटली एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी पाएंगे और देश के लिए डिफरेंट वे में वर्क कर पाएंगे, कोलोबरेटिव वर्क कर पाएंगे। हाँ, ये है कि लोग नाली खड़ेंजे की बात करते हैं, ये वास्तविकता है और ये इनकी नीड है। वो नाली की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, सिंचाई के लिए नहरों में पानी की बात करेंगे, नलकूप की बात करेंगे, हर तरीके की बात करेंगे, लेकिन आज भी स्थितियाँ वही हैं कि पहले भी मुझे सबसे ज़्यादा मेडिकल फील्ड रिलेटेड वर्क होता था और आज भी सिर्फ विधानसभा मछली शहर से नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से मुझे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए कॉल आती हैं, बिकॉज दे नो दैट आई एम अ डॉक्टर दैट टू फ्रॉम मेन्स, और मैं उनको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती हूँ। मैं उनके लिए प्रॉपर उनके डिजीज़ के अनुसार उनके लिए बेस्ट पॉसिबल केयर कहाँ मिल सकती है, क्योंकि आज देश की और साथ में प्रदेश की जो मेडिकल स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। तो इन स्थितियों में कहाँ वो जा सकते हैं जिससे उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, अर्ली ट्रीटमेंट मिले, अर्ली डायग्नोसिस हो, और जिन केसेस में हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, मैं समय समय पे हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करती हूँ। मेरे हेल्थ कैंप में 600 ऐसे मरीज आए थे जो फिजिकली कम्प्लीटली देवर नॉन डिजीज, हैविंग नो लाइक प्रॉब्लम्स, एंड व्हेन वी डायग्नोज देम देवर हैविंग शुगर्स मोर देन 600, सो देवर डायबिटिक। सो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि मेडिकल को आर्ग्यूमेंट करके पॉलिटिक्स के साथ आई एम वर्किंग एंड इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू सी वेरी गुड रिजल्ट्स। ये कि बीजेपी का कोई नेता पसंद है आपको कि सारे अपोजिशन वाले ही पसंद है? देखिए, मैं बहुत छोटी थी कारगिल वॉर के टाइम पे, पर मैंने उस समय, मुझे आज भी याद है बिकॉज आपने कहा गाना और शायरी की बात करी, उस समय एक सॉन्ग आया था स्कूल चले हाँ, कैंपेन एंड दैट वाज अ कैंपेन स्कूल चले हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय, तो वो मुझे काफ़ी पसंद है, उनकी बातें मुझे पसंद है और मैं सुनती हूँ, क्योंकि उन्होंने मोदी अमित शाह आज के नेता अगर पसंद होते तो होते। बात ही अलग होती। अच्छा। ये आखिरी सवाल है क्योंकि इंटरव्यू लंबा आपका हमने काफ़ी कर लिया, ये आखिरी में ये कि रागिनी सोनकर को हम अगले 4-5 साल में कहाँ देखेंगे, क्योंकि रागिनी सोनकर इस बार हम सांसद में तो अब नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो सांसदी के चुनाव नहीं लड़ रही हैं, विधायक हैं अभी, तो अगले 4-5 साल में आप खुद को पॉलिटिक्स में कहाँ देखते हैं? मैं पॉलिटिकल ग्रोथ को सांसद, विधायक, मंत्री या किसी पद से नहीं मापती। आई फील माई सेल्फ एज मोर ऑफ सोशल एक्टिविस्ट रेदर देन अ पॉलिटिशियन, एन MLA और एनीथिंग। और मैं पॉलिटिकली अगर ग्रो अपने आप को मैं समझूंगी अगर स्वयं को, कि अगर आज मुझे इतने लोगों का प्यार मिल रहा है और मैंने इतने लोगों की मदद की है, तो इससे कितने गुना ज़्यादा लोगों की मैं अपने आगे वाले समय में मदद कर पाऊँ, दैट विल बी माई पॉलिटिकल ग्रोथ, एंड नॉट बिकमिंग एंड और अटेनिंग एनी पोजिशन विल बी डिफाइंड एज अ पॉलिटिकल ग्रोथ। अभी तो कोई अफसोस नहीं, 2 साल में जो मिला वो सब अच्छा था? 2 साल में मुझे जो मिला है, मुझे लगता है कि उसको अगर अब मैं आँखूँ तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी, और इतना मुझे लोगों का प्यार और समर्थन मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।